अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। इसकी रेसिपी बहुत इजी है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो ये हैं। 6 मैंने बड़े साइज़ के कटे टमाटर लिए हैं, 1 मैंने थोम की गट्ठी ली है, इतना टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 1 मैंने बड़े साइज़ की कटी प्याज ली है। सब कटी हुई चीज़ों को हम प्रेशर में डाल देंगे और जो अदरक उसको हम क्रश कर लेंगे। अब हम इसमें आधा किलो गोश्त ऐड करेंगे। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, 1 चम्मच हमने करी पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हम लेंगे हल्दी, 1 चम्मच हम लेंगे सूखा धनिया, 2 टुकड़े लेंगे छोटे छोटे, 1/2 टेबलस्पून हम काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 3 ग्लास पानी लिया है हमने और ऑयल लेंगे हम 1/2 कप। तब हम इसको वेट लगवा देंगे 45 मिनट्स के लिए। सीटी उठा दिया हमने इसकी 45 मिनट्स के बाद। अभी गोश्त हमने चेक किया है, गल चुका है। अभी हम इस गोश्त को कढ़ाई में डाल देंगे। अभी हम हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी खुश्क करेंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखने के बाद पानी खुश्क हो गया। अभी ये भूनने में आ गया। मैंने इसमें 6 हरी मिर्ची ऐड की हैं साबुत, और अभी मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह। इसको 5 मिनट भूनेंगे जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। हाई फ्लेम पे भूनेंगे, 5 मिनट मैंने इसको भूना है। देखें इसने ऑयल छोड़ दिया। अभी 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें गर्म मसाला ऐड किया, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हम थोड़ा और भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं गोश्त हमारा अच्छी तरह गल गया है, गोश्त अच्छी तरह घी छोड़ गया है। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे धनिया, और अभी मैं एक कोयला लूँगी, इसको गर्म कर लूँगी। कोयले को मैंने 5 मिनट गर्म किया है। अभी हम इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इस तरह हमें बारबेक्यू टेस्ट आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।